देखिए मिस्टर विनय, इस वक्त आपको हौसला रखना होगा और अपनी पत्नी को भी हौसला देना होगा। ऐसे मुश्किल वक्त पर हौसला ही काम आता है। देखिए डॉक्टर, आप ऐसी बातें करके मुझे डरा रही हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहती, सब कुछ साफ साफ बताना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि आपकी बीवी का केस क्रिटिकल है, ऊपर से बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, ऐसे केसेस में हमें सिजरियन करना पड़ता है। इतनी ही प्रॉब्लम नहीं है, आपके आपकी पत्नी का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है। ये फॉर्म आप पढ़ के प्लीज साइन कर दीजिए। ये क्या है डॉक्टर? ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इट्स अ फॉर्मेलिटी। ऑपरेशन के दौरान अगर बच्चे और देखिए मिस्टर विनय, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम दोनों को बचा पाएं, लेकिन कई बार ऑपरेशन टेबल पर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि हमें दोनों में से किसी एक को बचाना पड़ता है। गॉड फॉरबिड आपके केस में ऐसा नहीं हो, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, इट्स अ फॉर्मेलिटी। आप प्लीज इसे पढ़कर साइन कर दीजिए। क्या डॉक्टर मुझे यह बताना पड़ेगा कि मुझे मेरी पत्नी या बच्चे में से कौन चाहिए? Give me a second. क्या कहा मानसी ने? क्या कहेगी? डर रही है बेचारी। अब इसमें डरने की क्या बात है? दुनिया की सारी औरतें मां बनती हैं, वो कोई पहली औरत तो नहीं है। मां, तुम उसकी हालत समझने की कोशिश करो, वो इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हाँ हाँ, जैसे मैंने तो बच्चे पैदा ही नहीं किए ना। मां तुम अंदर जाओ और उसका चेहरा देखो, फिर यही आकर मुझे कहना। मानसी अगर रही तो उम्मीद फिर हो सकती है। अगर ऐसी बात थी तो फिर 12 साल तक क्यों नहीं हुई? बेटा, वंश वृद्धि को रोकना पाप है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने उस फॉर्म पे साइन करके बहुत बड़ा पाप किया है। नहीं बेटा, तूने जो किया ना ठीक किया। सॉरी मिस्टर विनय, शायद आपने गलती से मां को बचाने की जगह बच्चे को बचाने का लिख दिया है। नहीं, मैंने सब कुछ समझ बूझ कर लिखा है डॉक्टर। मिस्टर विनय, कैसे पति हैं आप? जिस औरत के साथ आपने इतने साल गुजारे, आप कह रहे हैं उसे बचाने की जगह उसे बचाएं जिसकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई? हाँ, मैं कह रहा हूं। आपके ये सवाल, आपके ये पेपर्स मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहे हैं। वो औरत जो अंदर बेड पर पड़ी है, अगर वो मेरी वाइफ है तो उसकी कोख के अंदर पल रहा बच्चा भी तो मेरा है। प्लीज मिस्टर विनय, प्लीज समझने की कोशिश करो। आप मुझे समझिए, आप मेरी हालत समझिए। वो अपनी जिंदगी के 36 साल जी चुकी है और उसके बदले मैं उसे क्यों ना बचाऊं जिसने जीवन के 36 मिनट नहीं देखे। लेकिन वो इस दुनिया में आया ही कहां है? मिस्टर विनय, जिस औरत ने आपका हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है, उसे बचाने के बजाय
आप उससे बचाना चाहते हैं जो अनदेखा है, जिसका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है? How selfish can you be? Yes, we are selfish. हम selfish हैं और आपके इस फॉर्म ने हमें selfish बना दिया है। अगर मुझे अपनी पत्नी चाहिए तो मुझे अपने बच्चे से प्यार नहीं, और अगर मुझे बच्चा चाहिए तो मेरी वाइफ। डॉक्टर, क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक को बचाने की है? अगर भगवान न करे आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां आपको अपने पति या बच्चे में से एक को चुनना पड़े, तो क्या करेंगे आप? लीजिए, नहीं होता मैं सेल्फिश, नहीं कहता कि मुझे बच्चा चाहिए या मां। अब आप जिसे चाहे बचाएं, जिसे चाहे मरने। क्या सोच रही हो डॉक्टर? मुझे बताइए कहाँ साइन करना है? मैं साइन करूंगी, लेकिन मुझे हर हाल में ये बच्चा चाहिए। अगर ये बच्चा पैदा नहीं हुआ तो हमारा वंश तो यही खत्म हो जाएगा। डॉक्टर, मैं जानती हूं कि आप मां बनने वाली हैं। देखिए, अगर आज आपने हमारा बच्चा नहीं बचाया तो कल भगवान आपका ही। विमल, तुमने स्मृति मैम को देखा है? जी मैडम, उन्हें तो बाहर की तरफ देखो। ओके। आपने इस बच्चे को नहीं बचाया तो कल भगवान आपके बच्चे को भी। मैम आप यहाँ बैठी हैं, आपने मेरा फोन ट्राई किया था, मैं भी आपका फोन ट्राई कर रही हूँ तो लग नहीं रहा है। मैंने ऑफ कर दिया, सर्जरी में जाना है ना इसलिए। एक्चुअली रजत से बात कर रही थी तभी मैंने डायल किया था, ये बताने के लिए कि रजत मुझे असिस्ट कर रहा है। मैम लेकिन आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? कोई प्रॉब्लम है? कुछ टेंशन है मैम? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार सर्जरी करने जा रही हूँ। मैम आपको ऐसा कैसे लग सकता है? जूही तुम तो जानती हो ना, उस पेशेंट की सास ने मुझे बद्दुआ दी है, ये कहा है कि अगर उसके पोता या पोती को कुछ हुआ तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। मैम किसी के कहने से कभी कुछ हुआ है? आप चिंता मत करिए, अंजलि को कुछ नहीं होगा। जूही मुझे चिंता सिर्फ अंजलि की नहीं है, मेरे आने वाले बच्चे की भी है। मैम आर यू प्रेग्नेंट? मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, आप क्यों घबरा रही हैं? जो भी जानती हूं, लेकिन इस वक्त मुझे शशांक की बहुत जरूरत है। जो अब पता नहीं वो कहाँ है। आई कैन अंडरस्टैंड मैम, मुझे सर्जरी करने में इतना डर लग रहा है, क्या करूं? मैम आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन शशांक सर यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? आप वही करिए जो अगर शशांक सर यहाँ होते तो करते। थैंक यू। चले मिस्टर विनय, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। बेटा, भगवान का शुक्र है अब हमारा वंश आगे बढ़ गया। डॉक्टर,
मानसी कैसी है अब? मिस्टर विनय, मानसी अभी स्टेबल नहीं है। आप हौसला रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। बेटा, मेरी मनोकामना अब पूरी हो गई। अब मैं बद्रीनाथ के दर्शन को जाऊंगी। मानसी, मानसी। मिस्टर विनय, प्लीज, पेशेंट अभी होश में नहीं है। सिस्टर, इन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में लेकर जाओ और ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मुझे रिपोर्ट करने के लिए कहो तुरंत। यस डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर, मानसी बच तो जाएगी ना? मिस्टर विनय, हमें उन्हें ऑब्जर्व करना होगा, कह नहीं सकते। एक मिनट। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर माधु। हाँ, पेशेंट ऑब्जर्वेशन रूम में। बैठ जाओ, मैं आता हूं। सिस्टर, ये सब करने के बाद बच्चे को ले आएंगे। अभी चिंता की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। मानसी, कंप्लीट रेस्ट, बिल्कुल हिलना नहीं। ओके कांग्रेचुलेशंस मैम। जूही, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं ये सर्जरी मैं कैसे करती। कम ऑन मैम, आप मुझे क्रेडिट क्यों दे रही हैं? मैंने तो वही किया जो शशांक सर होते तो करते। शशांक सर हैं कहाँ? हाँ मैम, पता नहीं। डॉक्टर, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस वक्त परेशानी में न जाने आपको क्या क्या बोल दिया। I'm so sorry. It's okay, I understand. डॉक्टर, जैसे आपने हमारे आंगन में फूल खिलाया है ना, भगवान भी आपके आंगन में ऐसे ही फूल खिलाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।